हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ये फिलिप्स टी बल्ब 30 वॉट का रिव्यू। तो देखते हैं ये लाइट कैसे है, आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप मेरे वीडियो देख के समझ सकते हैं। मैं आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगी इस लाइट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। तो फ्रेंड्स, ये है इसका बॉक्स। तो इस बॉक्स में इस साइड लिखा है फिलिप्स टी बल्ब 30 वॉट, यहाँ पे मेंशन भी है। और ये देखिए आई कंफर्ट है, आई कंफर्ट है मतलब आंखों में ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। और इसका जो लाइट का रेंज है वो भी ये कह रहे हैं कि ज़्यादा है। तो और डब्बे के इस साइड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये है स्वेबल बॉडी एक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि आप लाइट को मूव कर सकते हैं। तो और देखते हम क्या लिखा है, देखिए ये इस साइड इसकी। तो इसमें क्या लिखा है कि इसकी जो प्राइस है 799 है, जो बॉक्स मेंशनड है। तो ये अभी 699 की है अमेज़ॉन पे। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं। और प्राइस का क्या है वो तो वेरी करते रहता है टाइम टू टाइम। और इस साइड देखते हैं क्या लिखा है, इस साइड लिखा है 30 वॉट की है। ये तो एक LED टी बल्ब है, तो ये 30 वॉट LED बल्ब 45 वॉट की CFL से भी ज़्यादा रोशनी देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बॉक्स को अब अनपैक करते हैं। तो मैं इस बॉक्स को खोल रही हूँ अब। और हम लाइट को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लाइट है। मैं इसको साइड कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लाइट है। तो ये आंखों बिल्कुल नहीं चुभेगी क्योंकि इसका ये आगे इस पैटर्न का इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। और इसका देख सकते हैं आप, तो ये जो स्वेबल बॉडी एक्शन में आपको बता रहे थे कि लाइट को मूव कर सकते हैं, तो वो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे करना है और उसके बाद आप मूव कर सकते हैं। ये देखिए हमारी लाइट मूव कर रही है, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और इसका एक चीज़ ये भी है कि आप लाइट को किस ऐसे भी मूव कर सकते हैं कि आपके लाइट है तो आप यहाँ पे देखिए ऐसे हो गया, देख पा रहे होंगे। और अब चाहे तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो ये ऊपर हो जाएगी, तो ऐसे करने से लाइट ऐसे होगी। तो ये थी लाइट। इसकी बिल्ड तो मजबूत है ही फ्रेंड्स। तो चलिए, बिल्ड तो मजबूत है इसकी, हम लाइट की टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये लाइट कैसी है। तो मैं आपको लगा के से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इसकी कंपैरिजन, किसकी लाइट के कंपैरिजन के लिए मेरे पास ऑलरेडी 12 वॉट की टी बल्ब है जो मैंने पहले खरीदा था। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी लाइट और इसके लाइट के अकॉर्डिंग कि इसमें कितना डिफरेंस है, कितनी ज़्यादा लाइट ये दे सकती है। तो चलिए हम इसे लगा के दिखाते हैं, मैं आपको दोनों लाइट्स के टेस्टिंग करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, अब मैं ये लाइट ऑन करके दिखाऊंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी रोशनी कर दी है। तो ये इसका आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लिकर भी नहीं कर रही है। मैं आपको बल्ब भी दिखाऊंगी कंपेयर करके। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कितनी रोशनी कर रही है। ये पढ़ाई वगैरह के बिल्कुल सही है, ये अच्छा लाइट देता है। यहाँ छोटे स्पेस में भी ये बिल्कुल रोशनी देखिए कर दिया है। तो आप यहाँ पे, मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी 12 वॉट के बल्ब से भी, जो सेम टी बल्ब है उससे भी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी रोशनी है और ये बिल्कुल फ्लिकर भी नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 12 वॉट का वही टी बल्ब है जो मैंने आपको पहले वही 30 वॉट का लगा के दिखाया था। देख सकते हैं इसमें कितनी कम रोशनी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो है हमारे 12 वॉट की टी बल्ब है और राइट साइड हमारे है 30 वॉट की टी बल्ब। तो रोशनी में कितना ज़्यादा फर्क है। 30 वॉट की बल्ब जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोशनी दे रही है और उसका रेंज भी ज़्यादा है। तो अगर आपको ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है, आप पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सही टी बल्ब है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 30 वॉट टी बल्ब की रिव्यू। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।